Hello friends, I am here again with a new series of Parasitology 03. It's all about insect pest of sugarcane. First is sugarcane leafhopper. Its scientific name is Pyrrella purpusilla and its systematic position, it belongs to class Insecta, order Hemiptera and family Fulgoridae. Next, about its distribution, ये मिलता हमें कहाँ कहाँ है. It mainly causes loss in UP, MP and Maharashtra. It is commonly called अल और घोरा. क्या बोलते हैं इसे commonly? अल और घोरा. इसका appearance कैसा है, ये दिखता कैसा है? Its color is straw. Leaf hopper का color कैसा है? Straw. और इसके दो pair हैं wings के, जो कैसे हैं, रूफ शेप में फोल्डेड हैं डॉर्सल साइड पे. डॉर्सल मतलब पीछे की साइड पे. इसकी लेंथ कितनी है? 8 से लेके 10 मिलीमीटर लंबा होता है ये. और इसका हेड कैसा है? एंटीरियरली इलोंगेटेड हेड है, आगे की तरफ इलोंगेटेड है. आइज़ इसकी रेड कलर्स की हैं, प्रोमिनेंट मतलब बड़ी हैं, हम अच्छे से देख सकते हैं. ठीक है. हैबिट्स, अब ये मिलता कहाँ कहाँ पर है, ये कहाँ कहाँ पर ग्रो कर सकता है? एडल्ट्स एंड जो इसके निम्स होते हैं, ये दोनों जो इसके लाइफ साइकिल के पार्ट होते हैं, कहाँ रहते हैं? लीव्स पे, शुगर केन की लीव्स पे. ओके. और ये एग ले करता कब है, कौन कौन से मंथ में करता है? मेनली अप्रैल, मई, अक्टूबर एंड नवंबर. नाउ अबाउट इट्स डैमेज कॉजिंग, ये डैमेज करता कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे करता है, क्या क्या इसका मैकेनिज्म है. सबसे पहली बात, जो इसके अंदर डैमेज करते हैं, मेन डैमेज करते हैं, वो कौन करते हैं? निम्फ और एडल्ट. ठीक है, निम्फ और एडल्ट. और वो कैसे डैमेज करते हैं? सेल सैप, जो उसके लीव्स के सेल सैप है उसको सक कर लेगा. उसको वहाँ से सक करने के बाद क्या होगा, जो लीफ का कलर होगा वो पेल हो जाएगा. पेल मतलब येल्लो, येल्लोइश, लाइट येल्लोइश कलर का हो जाएगा और वो ड्राई हो जाएगी. नाउ समथिंग अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंट फीचर, जो इसका एक अट्रैक्टिव फीचर है वो क्या है? हनी ड्यू. जो ये इंसेक्ट होता है ये सिक्रीट करता है एक फ्लूइड, स्वीट, स्टिकी और ट्रांसपेरेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? हनी ड्यू. जो क्या होता है, जो अट्रैक्ट करता है फंगस को, और फंगस क्या करती है, लीव्स के ऊपर और शूट्स के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बना देती है. ब्लैक कलर की एक बहुत छोटे छोटे उसके स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स से उसकी लेयर्स बन जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस के लिए जगह नहीं मिल पाती, सरफेस ही नहीं होता. जब सरफेस ग्रीन से ब्लैक हो गया है या फिर येलो हो गया है, तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाता है? लोअर्स डाउन. ओके. और जो इसकी क्रॉप डैमेज होती है वो कितना परसेंटेज है? 35% ऑफ क्रॉप इज डैमेज्ड. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट इट्स कंट्रोल, हाउ कैन वी कंट्रोल इट्स. सबसे पहली बात तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ एग मासेस एंड डिस्ट्रॉइंग जो इसके एग मासेस होते हैं. जब इंसेक्ट एग ले करता है, एग्स हमें पता है कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ उसने एग ले करे, उन एग्स को हम कलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे. कैसे? बर्न करके, बरी करके या फिर स्प्रे करके. स्प्रे किस चीज़ का करेंगे? फिनाइल वाटर का. रेटून क्रॉप्स शुड बी अवॉइडेड, जो डिफरेंट टाइप्स की रेटून क्रॉप्स होती हैं वो इसके टाइम, इस टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए. थर्ड इज रेसिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ शुगर केन शुड बी सोन. रेसिस्टेंट वेराइटीज़ सबको पता है क्या होती हैं? बीटी वेराइटीज़. बायोटेक्नोलॉजिकल जो वेराइटीज़ होती हैं, जो हमारे साइंटिस्ट बार बार रिसर्च करके जिनको रेसिस्टेंट बना देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेस्ट से जो रेजिस्टेंट होती हैं, वैसी वेराइटीज़ हमें उगानी चाहिए. द इन्वेस्टेड क्रॉप शुड बी डस्टेड विद 5-10% BHC डस्ट. क्रॉप को हमने किससे डस्ट करना चाहिए? BHC डस्ट से. ओके. BHC क्या है? BHC एक घोल है, पेस्टिसाइड है. ठीक है. नेक्स्ट इज द स्प्रे ऑफ 0.25% एंडोसल्फेन और 0.025% ऑफ फर्मीथ्रोथिन और 0.012 टू
0.025% ऑफ वेटेबल पाउडर ऑफ एग्रोसाइड. अगेन ये भी क्या है, पेस्टिसाइड्स हैं, टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स. नाउ नेक्स्ट दूसरा क्या है, स्प्रे करके 0.01% एंड्रीन. किस रेट पे, कैसे हमें मिलाना है इसको, 500 लीटर में, 500 लीटर पर एकर कैन कंट्रोल पायरेला. ठीक है, अब नेक्स्ट इज अबाउट इट्स लाइफ साइकिल. अब इसकी लाइफ साइकिल में जो मेन हमें याद रखना है वो क्या क्या याद रखना है, पहला एग्स. एग्स कितने ले करती है इसकी फीमेल, एग्स कैसे होते हैं, उनका अपीयरेंस कैसा है, और अगर कोई इम्पॉर्टेंट फीचर है तो वो भी. ठीक है, नेक्स्ट इज निम्फ. निम्फ क्या होती है इसकी दूसरी, एग के बाद जो इसकी पार्ट होता है लाइफ साइकिल का, दूसरी स्टेज होती है, दैट इज निम्फ. निम्फ के बाद क्या हो जाते हैं ये, दे बिकेम एडल्ट. नाउ सबसे पहले एग्स, एग्स कितने होते हैं नंबर में, एज पॉइंटेड हियर 300 to 500. ओके, 300 to 500, और होते किस फॉर्म में है ये, क्लस्टर में. और जो एग्स होते हैं इनका अपीयरेंस कैसा होता है, ये ओवल होते हैं, शाइनिंग होते हैं, पेल वाइट या फिर ग्रीन होते हैं. ठीक है, और एक स्पेशल अपीयरेंस जो होता है ये क्या होता है इनका, ये कवर्ड होते हैं वाइट फिलामेंटस मटीरियल. क्या होता है, वाइट फिलामेंटस मटीरियल जो सिक्रीट कौन करता है, फीमेल एनल प्रोसेसेस. ओके, नाउ अबाउट इट्स सेकंड निम्फ, जो इसका सेकंड स्टेज है निम्फ. एग्स 7 से लेके 22 डेज में निम्फ्स में हैच हो जाते हैं. ठीक है, बट अगेन जो ये हैचिंग का टाइम है ये समर्स में अलग है और विंटर्स में अलग है. 7 से लेके 22 डेज इन समर, बट इससे भी ज़्यादा हो सकता है कब, विंटर्स में. ओके, अब इनमें एक चीज़ और है, एक तो हो गया इसके अंदर डिफरेंस क्या हो गया, एक तो समर में अलग अलग टाइम है इनका हैचिंग का और विंटर्स में अलग है, और यंग जो इसका निम्फ है उसका कलर अलग होता है, और जब ये एडल्ट में चेंज होने वाला होता है मोल्डिंग के टाइम पे जब इसका चेंज होता है कलर, तो वो अलग हो जाता है. यंग निम्फ कैसे कलर के होते हैं, क्रीम कलर्ड, मगर उनका जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर. ओके, कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर, और उनके पास क्या है, एक एनल फिलामेंट का पेयर है. ओके, नाउ अब निम्फ से इसकी थर्ड स्टेज पे चलते हैं. कब आएगी वो स्टेज, 6 से लेके 8 वीक्स में समर में, और एंड 4 मंथ्स इन विंटर्स. ओके, 6 से लेके 8 वीक्स में समर में, अगेन यही इसका निम्फ में हुआ था. एग से जब ये निम्फ में बना था तो तब भी क्या था, समर्स में कम टाइम ले रहा था ये हैचिंग में, और विंटर्स में ज़्यादा टाइम ले रहा था. अगेन ये जब निम्फ से एडल्ट में बन रहा है तो भी समर में ये 6 to 8 वीक्स ले रहा है, और विंटर्स में 4 मंथ ले रहा है. ठीक है, आफ्टर 5 मोल्डिंग्स, मतलब ये 5 अपना मोल्ड करेगा, 5 टाइम्स अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है, नाउ एडल्ट, अब एडल्ट के बारे में कुछ, इट्स लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 मिलीमीटर. ओके, कलर कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर जो हम पहले ही देख चुके हैं. इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, मेल्स में 5 to 7 वीक और फीमेल्स में 5 to 8 वीक. नाउ